हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई स्टाइल मटन रस्सा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है 500 ग्राम मटन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 2 से 3 तेज़पत्ता है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च, और ये मेरे पास आखिरी मसाला है। आपके पास है तो आप ये ले, नहीं तो फिर आप इसकी जगह एवरेस्ट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है कुछ खड़े मसाले, जैसे कि एक मीडियम साइज़ का प्याज, 10 काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच साजीरा, 10 से 12 लौंग, 2 इंच की दालचीनी, और ये है लाल फूल और थोड़ा सा जायफर, और 2 इंच का अदरक इसे मैंने तोड़ लिया है, और 3 से 4 छोटी इलायची ले लें, 1 पूरा लहसुन ले, 2 चम्मच नारियल ले, इसे अच्छे से काट ले। चलिए इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अपना तेल। अब इसमें डालेंगे हम अपना बारीक कटा हुआ प्याज, इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्च और आखिरी मसाला, इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसी के साथ हम अपना पिसा हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपना मटन। और साथ ही में हम ऐड करेंगे अपना 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसे मिक्स करते हैं। अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक पकाना है, या फिर जब तक मटन गल नहीं जाते। तो चलिए इसे पका लेते हैं। तीस मिनट हो चुका है, मटन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके रस्से की तैयारी करेंगे, यानी कि अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसे ढककर सिर्फ तब तक पकाएंगे जब तक एक उबाल नहीं आ जाता। पाँच मिनट हो चुके हैं और मटन भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपना धनिया पत्ता। मटन रस्सा हमारा रेडी है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मटन रस्सा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।